हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरेब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक स्वच्छ भारत की अलग जगाने शहर के 5 युवा निकले नए मिशन पर पैदल तय करेंगे छिंदवाड़ा से कैलाश मान सरोवर तक का सफर कलेक्टर शीतला पटले ने किया रवाना छिंदवाड़ा की राजा शंकरशाह यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए छात्राएं हुई लामबंद कहा परीक्षा परिणाम तत्काल सुधारे जाए मणिपुर की गवर्नर और छिंदवाड़ा की बेटी सुश्री अनुसुईया उइके का जन्मदिन छिंदवाड़ा में उत्साह से मनाया गया दीनदयाल रसोई में कराया गया निशुल्क भोजन और छिंदवाड़ा में बनी फीचर फिल्म बाइसिकल डेज 14 अप्रैल को होगी सिनेमा घरों में रिलीज प्रोड्यूसर डायरेक्टर देवयानी अनंत ने मीडिया से की चर्चा नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल तो अब खबरें विस्तार से स्वच्छ भारत की अलख जगाने छिंदवाड़ा शहर के पर्वतारोही नीरज डहरिया और उनके साथी एक नए मिशन पर निकल पड़े हैं इस बार नीरज डहरिया और उनके 4 साथी टीम बनाकर केदारनाथ की यात्रा के लिए पैदल रवाना हो गए छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले ने कलेक्टर परिसर से हरी झंडी दिखाकर इन जोशीले युवाओं के दल को रवाना किया उन्होंने नीरज डहरिया और उनके साथियों को यात्रा की शुभकामनाएं दी युवाओं का ये दल छिंदवाड़ा से पैदल चलते हुए रास्ते में स्कूल कॉलेज अन्य संस्थानों में स्वच्छता की अलख जगाते हुए स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब करने की अपील करते कैलाश मानसरोवर पहुंचेगा मन में रखो एक ही सपना स्वच्छ भारत हो अपना इस नारे के साथ यह दल छिंदवाड़ा से रवाना हुआ गौरतलब है कि पर्वतारोही नीरज डहरिया पहले भी कई मुश्किल मिशन अंजाम दे चुके हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो साइकिल से दिल्ली पहुंच गए थे और कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात भी की थी आपका स्वच्छता अभियान से 1400 किलोमीटर पद यात्रा केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं कहाँ से निकल रहे हैं कितने लोग चांद जिला छिंदवाड़ा से केदारनाथ कितने लोग जा रहे हैं 5 लोग जा रहे हैं ये इनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता की थीम को लेकर जा रहे हैं ये कि यहाँ से छिंदवाड़ा से ये केदारनाथ तक जाएंगे और जगह जगह पे स्कूल कॉलेजों में ये स्वच्छता के बारे में लोगों को बताएंगे कि स्वच्छता कितनी जरूरी है आज स्वच्छ मानव मतलब इंसान जितना स्वस्थ रहेगा उतना अच्छा रहेगा छिंदवाड़ा की राजा शंकरशाह यूनिवर्सिटी के साथ राज्य सरकार का रवैया बेहद लापरवाही भरा है ये कहना है कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा की सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान का रेशमा खान के नेतृत्व में सोमवार को छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि विश्वविद्यालय का BSc, BA, BCom प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम तत्काल सुधारा जाए उनका कहना है कि पहले भी कई बार आंदोलन करने और ज्ञापन देने के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है इससे छात्राओं के भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है ऐसे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री और सांसद को भी इस सिलसिले में जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की गई है लोग
लगातार यूनिवर्सिटी में मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस साल जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत स्टडी, जहाँ पे 3 या 4 छात्राएं फेल होना चाहिए वहाँ 300-400 एक क्लास में फेल हुई है, मात्र 1 या 2 लड़कियाँ ही कॉलेज क्लासों में बच रही है, वो भी फेल कैसे हो रही है मात्र 1 या 2 नंबर से, 3 नंबर से, कहीं सीसी के नंबर नहीं दे रहे तो कभी प्रोजेक्ट के नंबर नहीं दे रहे। कुल मिला के छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी लगातार छात्र छात्राओं को परेशान कर रही है, तो हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द छात्र छात्राओं के लिए सही निर्णय लिया जाए, इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ जल्द से जल्द निराकरण दिया जाए। वहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को प्रभारी कुलपति दिए हैं, अगर हम छात्र छात्राएं मांग करने यूनिवर्सिटी जाते भी है तो वहाँ हमको स्थायी कुलपति नहीं मिलते, वह हफ्ते में 1 या 2 बार आते हैं, ऐसे में हम कैसे अपनी मांग किससे सुनवाए। हम कुल सचिव सर से कहते हैं, वो कहते हैं हाँ अभी कुलपति महोदय आते हैं हम बात करते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में कुल सचिव कुलपति भी स्थायी नहीं है, वो भी अस्थायी है, ऐसे में छात्र छात्राओं का कुल मिला के नुकसान कर रहा है ना। आपने नई शिक्षा नीति तो लिखवा ली, मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई शिक्षा नीति लिखा ली है, लेकिन जिस सब्जेक्ट उनने जोड़ा है उसके टीचर अवेलेबल नहीं है, कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ लीजिए, घर से पढ़ लीजिए, कोचिंग से पढ़ लीजिए, कॉलेजों में टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है। कुल मिला के छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ जो मुख्यमंत्री है वो अन्याय कर रहा है, छात्र छात्राओं के लिए सही फैसला नहीं ले रहा है, सही निर्णय ले रहा है। आने वाले समय में अगर छात्र छात्राओं का रिजल्ट जल्द से जल्द नहीं सुधरा तो हम मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे, यही कलेक्ट्रेट के पास जलाएंगे, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होगी और स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। हम अभी बोल रहे हैं लेकिन आगे बड़ा निर्णय लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे, उसके लिए हमें कोई ना बोले, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं रेशमा खान। मणिपुर की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का जन्म दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में जनसेवा के माध्यम से मनाया गया। छिंदवाड़ा की बेटी और मणिपुर की गवर्नर सुश्री अनुसुईया उइके के जन्म दिवस पर सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के संयोजक सत्येंद्र ठाकुर और सदस्यों द्वारा मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई, साथ ही जरूरतमंदों को चादर और कंबल भी वितरित किए गए। इसके अलावा शहर में गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई में निशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई गई थी, साथ ही वृद्धाश्रम में फल वितरण भी किया गया। सुश्री अनुसुईया उइके के जन्म दिवस पर जुन्नारदेव में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस बात को हमेशा निभाने वाली मणिपुर की राज्यपाल हमारे छिंदवाड़ा की बेटी सुश्री अनुसुईया उइके जी का आज जन्म दिवस है। सुश्री अनुसुईया उइके जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमारे जिले के लिए, प्रदेश के लिए, जब जनता को कोई भी समस्या हुई तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके उस समस्या का निराकरण किया है। आज हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने गरीबों के बीच सेवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया है। इसमें आज हम लोग गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई पहुँचे हैं और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने निर्धनों के लिए, जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था आज उनके जन्मदिन के अवसर पर की है। 2 बजे वृद्धाश्रम में भी हमारे द्वारा आज फलों का वितरण उनके जन्मदिन में किया जाना है। पूरे जिले में उनके जन्मदिन को लेके चाहे सौंसर हो, सौंसर में भी अस्पताल में फलों का वितरण किया जा रहा है, पांडुना में भी अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण किया जाएगा, जामई में सफाई कर्मियों के बीच सफाई सामग्री बांटी जाएगी, साथ ही जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का भी वितरण किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में परासिया में भी वृद्धाश्रम में फलों का वितरण आज किया जा रहा है, दमुआ में भी अस्पताल में मरीजों के लिए फलों का वितरण आज किया जा रहा है, चांद में भी उनके जन्मदिन के अवसर पर कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, इसके पश्चात महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति की ओर से, हमारे छिंदवाड़ा जिले की ओर से सुश्री अनुसुईया उइके जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं और इस बार से कामना करते हैं कि ऐसी समाज सेवी परोपकारी महिला को दीर्घायु प्रदान करे। सत्येंद्र ठाकुर। निकालो रे भैया, फोटो निकालो रे भैया। ये माताराम वो कमरे में रहती पर आ रही है। दे दो ना। आपके मेहमान आए हैं, मतलब इधर मेहमान हैं। दो जानी है। अब उनको वहीं दे देंगे। वो उधर से जाएंगे, उनको वहीं। वाड़ा की जो बेटी हैं अनुसुईया जी राज्यपाल, उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम वितरण कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद देना और है। आई और कोई कौन है? एक से सेवा देना। हाँ, लो आपको लो भैया, पहुँचाओ। दे दिया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग दो रेंज डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट तो पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, टू बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के कलाकारों को लेकर बनी संपूर्ण फीचर फिल्म बाइसिकल डेज 14 अप्रैल को देश भर में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की निर्देशक देवयानी अनंत ने सोमवार को फिल्म के कलाकारों के साथ प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वो छिंदवाड़ा की ही बेटी है और प्रख्यात संगीत हस्ती अनंत रोड़े की पुत्री है। इससे पहले उन्होंने कई नामी डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया है। बाइसिकल डेज उनकी पहली फीचर फिल्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर देवयानी ने फिल्म के निर्माण के दौरान अपने अनुभव और फिल्म की थीम पर चर्चा की। नमस्कार, मेरा नाम देवयानी अनंत है और मैं ये बाल फिल्म बाइसिकल डेज की डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ। ये फिल्म हमारा एक प्रयास है बच्चों को थिएटर से जोड़ने का, बच्चों को सिनेमा से जोड़ने का। ये 11 साल के लड़के की कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि एक 11 साल के बच्चा या एक बच्चा या बच्ची के जीवन में एक शिक्षक का क्या महत्व होता है। उसकी परवरिश में जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पेरेंट्स की होती है, तब उसके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
उसके दोस्तों की क्या ज़रूरतें होती हैं उसके साथ, और एज अ सोसाइटी, समाज, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को लेके, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म 14 तारीख से सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है और छिंदवाड़ा में ये फिल्म अलका थिएटर में रिलीज़ होगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अधिकारी कर्मचारी संगठन अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसको लेकर 16 अप्रैल को एक बड़ा प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर किया जाना है। प्रदर्शन को लेकर छिंदवाड़ा में भी संगठनों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संगठन द्वारा इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है। संगठन के अरविंद भट्ट ने सोमवार को 16 अप्रैल को होने वाले आंदोलन के संबंध में पदाधिकारियों और सदस्यों से चर्चा की। गौरतलब है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जबकि मध्य प्रदेश में अब लगातार कर्मचारी संगठन इस मामले में आंदोलन की राह पर है। लगे हुए हैं लोगों को जोड़ने में और पुरानी पेंशन के आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए, इसमें बहुत सारे हमने प्रयोग भी किए और निरंतर चल रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज अधिकांश विभागों के बहुत सारे साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी कि ये केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दो प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर नियुक्ति दिनांक को लेकर वरिष्ठता पे प्रश्नचिन्ह खड़ा हुआ है। उसमें भी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वरिष्ठता का जो मामला गया था, वो वरिष्ठता का मामला हमारे ही जैसे एक साथ काम करने वाले एक संवर्ग के दो विभागों के व्यक्ति, अगर आदिम जाति कल्याण विभाग की बात करें तो उनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ क्रमोन्नति और अन्य चीज़ों में समाहित है उनके आदेश में, और क्रमोन्नति भी उनकी हो रही है और उस हिसाब से उनको लाभ भी मिल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो 19-20 उठापटक चल रही है, ये आगे आने वाले समय में एक होगी और निश्चित रूप से हम सबको अपनी नियुक्ति दिनांक से पुरानी पेंशन बहाली का लाभ मिलेगा। साथियों, ये वही चेहरे, ये वही लड़ने वाले लोग हैं 1998 के, जिन्होंने समाज से, और हम सब के अपने लिए तो लड़ रहे हैं लेकिन हम अपने साथ साथ भविष्य के निर्माण के लिए भी लड़ रहे हैं, और शायद हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। 1998 हमारे ऊपर और पूरे समाज के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर जो कर्मी कल्चर का बदनुमा दाग सरकार के द्वारा लगाया गया था, उसको हटाने वाले भी हम ही लोग हैं। संविदा कल्चर का जो जन्म हुआ था शिक्षा विभाग से, उसको भी हटाने वाले हम ही लोग हैं। उसका त्वरित लाभ हमको नहीं मिला, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ होगी। पुरानी पेंशन कभी ये छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये हम पढ़े लिखे समझदार लोग अगर इस मुहिम को नहीं लड़ेंगे, समाज को, सरकार को आईना नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। तो मैं आप सबसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि 16 तारीख की जो हमारी एक दिवसीय धरना और रैली का कार्यक्रम, जरूरत पड़ने पर अगर सही समय पर ब्लड डोनेशन हो जाए तो ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। सोमवार को कुछ ऐसा ही हुआ जब विश्व हिंदू परिषद जिला गोरक्षा प्रमुख ऋषभ तिवारी किसी परिचित मरीज को देखने जिला अस्पताल पहुंचे थे। हॉस्पिटल में उन्हें परेशान घूमते हुए अमरवाड़ा के कैलाश वर्मा मिले। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह अपने परिजन के लिए ब्लड को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिसे रक्त की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे में ऋषभ तिवारी ने तुरंत रक्तदान किया और जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के माध्यम से वो रक्त जरूरतमंद मरीज को लगाया गया। ऋषभ तिवारी ने बताया कि हमें समय समय पर ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए, यह पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू ट्वेल्थ, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटा थाना, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। संपर्क करें 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटा थाना, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। जिला वेटलिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रामराव नागले, खेल अधिकारी, जिला युवा कल्याण विभाग एवं जिला वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने वर्ल्ड वाइड जिम में इसका शुभारम्भ किया। साथ में विशेष अतिथि अविनाश सिंह एवं वेटलिफ्टिंग संघ के उपाध्यक्ष विक्रांत अहिरवार भी उपस्थित थे। जिला वेटलिफ्टिंग संघ के सचिव रविकांत अहिरवार ने बताया कि ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर निशुल्क रहेगा, जिसमें जिले के वेटलिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ियों को तकनीकी गुण के साथ साथ खेल के नियमों एवं अपने खेल को कैसे विकसित करेंगे जिससे प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके, यह बताया जाएगा। यह शिविर 3 स्थानों पर लगाए गए हैं, जिसमें वर्ल्ड वाइड जिम, वर्मा कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड वाइड टाउन फिटनेस सेंटर चंदनगांव तथा अल्टीमेट पावर सागर पेशा शामिल है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निशुल्क 7 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है वेटलिफ्टिंग का, जिसमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अपने खेल को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे डेवलप करें, साथ ही उसके नियमों को कैसे कैसे जाने, कैसे बहुत सारी वेटलिफ्टिंग एक ओलंपिक गेम है जिसमें बहुत ही टेक्निकल साउंड चलता है। वेट उठाना मायने नहीं रखता, टेक्निक के साथ वेट उठाना मायने रखता है। उस उद्देश्य को लेकर आज हम ये शिविर का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा। ये कैंप लगभग 3 जगह चलाए जाएंगे, खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रही तो 4 जगह भी हो सकता है। वर्ल्ड वाइड जिम वर्मा कॉम्प्लेक्स पहला, वर्ल्ड वाइड टाउन चंदनगांव, अल्टीमेट पावर अपना SBI कॉलोनी सागर पेशा, और हुआ तो स्पार्टन जिम भी हम उसको भी अपने अंडर में लेंगे कि वो ये 7 दिवसीय शिविर में भाग ले सके। अगर खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा हुई तो आगे ज्यादा से ज्यादा पूरे जिले के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। निशुल्क सेवा है इसमें और अधिक से अधिक लाभ उसका वो उठा सकते हैं। शहर के ई रिक्शा चालकों ने सोमवार को नगर निगम के ठेकेदारों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और गैर कानूनी रूप से वसूली करके परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
ई रिक्शा संचालकों का कहना है कि वो शिक्षित लोग हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। बावजूद इसके नगर निगम के कुछ ठेकेदार जिन्होंने मानसरोवर और अन्य स्थानों पर पार्किंग का ठेका ले रखा है उन्हें धमकाकर कहीं भी उनसे अवैध वसूली करते हैं। इतना ही नहीं उनके साथ गाली गलौज भी की जाती है। ई रिक्शा यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। मैं रमजान खान कांग्रेस कार्यकर्ता ई रिक्शा संचालक भी हूं। मैं तमाम भाइयों ई रिक्शा के साथ में कलेक्टर महोदय से अपील करने आया हूं कि महोदय जी हम जो रोड पे पार्किंग व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है या खड़े होते हैं उस पे अवैध वसूली की जा रही है, हमें डराया धमकाया जा रहा है और जो है हमसे अधिक से अधिक चालान वसूल किया जा रहा है। इसलिए हमें कलेक्टर महोदय से अपील करते हैं कि सारे के सारे इसमें शिक्षित और बेरोजगार है इनके साथ में जो है आप अच्छे से अच्छी कार्रवाई की जाए। कौन लोग आपके साथ ही अभी ये निगम के ठेकेदार है जिसने निगम जो है मानसरोवर परिसर का ठेका लिया है वो है उनने ठेका लिया है वही है बस स्टैंड है मानसरोवर है वहाँ का जो भी ठेका लिया है वो है हमसे और उनके जो कर्मचारी है वो शराब के नशे में रहते हैं वो अवैध तरीके से हमसे बात करते हैं गाली गलौज करते हैं सवारियाँ बैठी रहती है लेडीज सवारियाँ बैठी रहती है फिर भी वो गाली गलौज करके हमसे पैसा वसूल करते हैं। कितने पैसे लेते हैं आपसे? हम लोग से मतलब हम रोड पे चलते हैं यदि हम रेलवे स्टेशन से लेकर जो है बड़े हॉस्पिटल में सवारी लेके जा रहे हैं पार्किंग नहीं भी लगा रहे हैं तो हमको रोका जाता है और हमसे 20 रुपये जो है पार्किंग लिया जाता है जबरन लिया जाता है और सारे के सारे ई रिक्शा चालक है। मेहरबानी होगी कि इसके लिए कोई कार्रवाई की जाए। मेरा नाम रमजान खान है। छिंदवाड़ा स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी ने पदभार ग्रहण करने के बाद समाज का नया मार्गदर्शक मंडल बनाया है जिसमें समाज के वरिष्ठ सदस्यों को संरक्षक बनाकर शामिल किया गया है। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी में युवाओं को भी महत्व दिया गया है। स्वर्णकार समाज भवन में आयोजित बैठक में स्वर्णकार समाज के अधिक से अधिक सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का फैसला किया गया। संगठन जल्द अपना विस्तार करेगा, इसके लिए जिला स्तर पर सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा समाज द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव, आदर्श विवाह, स्वर्ण रजत कारीगर उत्थान कार्यक्रम और सराफा कारोबार में आ रही समस्याओं के संबंध में भी चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी ने नई कार्यकारिणी का ऐलान करते हुए सभी से समाज हित में मिलजुल कर कार्य करने की अपील की। स्वागत करें युवा जुझारू भाई जितेंद्र सतीश जी सोनी को। पानी की एक योजना हमने बनाई है उसके लिए हम विस्तार से आपसे मार्गदर्शन भी चाहेंगे और आप हमें अपने और अन्य विषयों पर भी अपना मार्गदर्शन देवे। साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि आप शांति होकर सुने ना, अपने मन में जो भी विचार आए अगर अपन अपने परिवार के बीच में कोई बात नहीं रखेंगे और अपन बाहर चलकर उसको बोलेंगे तो वो गलत बात होती है। अपने समाज का जब यहाँ मंच है तो समाज के मंच पे निर्भय होके और बेझिझक अगर हमसे भी गलती हो सकती है गलती से पूर्ण रूप से समिति के साथ साथ खुद पर छोड़े गए तो मैं आशा करता हूँ कि समाज के जो काम करने वाले युवा हैं या बुजुर्ग हैं उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहेगा। निश्चित है हमारी जो समाज है बहुत बड़ी संख्या में है और पूरे नगर में क्योंकि 48 वार्ड है और 48 वार्डों में बहुत से ऐसे हमारे सामाजिक बंधु हैं जिनको हम जानते नहीं आकर अपना। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार भव्य और सुंदर। यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है।
तो अब आपको अपने घर शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो पाटनी टॉकीज के पास आटा चक्की के सामने छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर, स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक, साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्टर शीतला पटले ने ली, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। प्रति सोमवार होने वाली इस साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि वह कार्यों में तेजी लाए। वही लाडली बहना योजना के तहत जिले में किए जा रहे महिलाओं के पंजीकरण की भी कलेक्टर ने जानकारी ली, साथ ही अभी तक के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। बिछुआ जनपद के तीन में से एक का हो गया मैम, दो बचे हैं तो मैम वो एक जो हो गया मैम मैं उसका कॉपी पहुंचा दूंगी। असल में एक है, जवाब लग गया? लग गया? कब लगाया है? कब लगाया है? अब कब लगाया ये आज आप लोग सब मेहनत करके एक व्यक्ति के हाथ से सारी कॉपी देनी है। आज सारे लोग भेज दीजिए, एक बंदे के हाथ में दीजिए, केवल आपको फोटो कॉपी करके भेजना है यहाँ पे, ठीक है? तामिया मैडम लग गए जवाब सब में, तीनों में लग गए। अपना ध्यान संस्थान द्वारा भारत मंगल भवन स्थित हनुमान शिव मंदिर में अपना ध्यान का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 45 साधकों ने अपना ध्यान विधि प्रयोग करने का तरीका सीखा। अपना ध्यान के प्रणेता श्री गुरुदेव जमुना प्रसाद श्रीवास्तव जी के निर्देशानुसार ये साप्ताहिक ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर साधक गणों ने महाकाल जी की आरती और मानव गीत के साथ तत्व चर्चा का लाभ भी प्राप्त किया। इस अवसर पर अपना ध्यान के अध्यक्ष अजय प्रसाद सिन्हा, विशेष ध्यान प्रशिक्षक रघुवीर रघुवंशी, कार्यक्रम प्रभारी मनीष श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। गौरतलब है कि अपना ध्यान कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से निरंतर संचालित है और यह मंदिरों में निशुल्क सिखाया जाता है। दोनों हाथों की कलाई घुटनों पर रखें, हाथों को सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखें और इस प्रकार बैठें कि शरीर के किसी भी अंग में तनाव महसूस न हो और अपने मन के विचारों को चारों ओर से एकाग्रचित कर लें और ध्यान में स्थित करने का प्रयास करें। जो विचार बोले जाएंगे उन्हें मन ही मन दोहराना है, उनका मनन, चिंतन एवं मंथन करना है। संकल्प मुख से जोर से बोलेंगे, अपना नाम लेकर अपनी सभी बुराई अभी छोड़ना चाहता हूं। देखिए
स्वयं का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, स्वयं का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। श्री, अपना ध्यान छिंदवाड़ा में विगत 10 वर्षों से सतत कंटिन्यू चल रहा है। इस ध्यान के माध्यम से हम एक अलग जागृति लाना चाहते हैं। इस ध्यान को हम छिंदवाड़ा शहर, जिला, प्रदेश और देश में फैलाना चाहते हैं, जिससे आज मानव जाति और महिलाएं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे दिग्भ्रमित हैं, हम लोग इसके माध्यम से बताते हैं, पहले आदमी स्वयं को व्यवस्थित करें, स्वयं को ठीक करें, स्वयं के बारे में जाने, इससे तो अपना ध्यान से जुड़े। जैसे हम बताते हैं, हमारे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान के बहुत सारे ध्यान चले सर, लेकिन श्री अपना ध्यान ऐसा ध्यान है जिसके माध्यम से हम स्वयं की इच्छा पूर्ति करते हैं और हम एक एनर्जी स्टोर करते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को भगवान के सामने रखते हैं और वो फलीभूत होती है। इसलिए हम सभी से चाहते हैं ध्यान से जुड़े और आगे बढ़े। आपका शुभ नाम? श्री अजय प्रसाद सिन्हा, श्री ध्यान प्रशिक्षक प्लस ध्यान का श्री अपना ध्यान का अध्यक्ष। गुलाबरा के प्रसिद्ध जय संतोषी माता काच मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन सोमवार को नारायण आचार्य ने भक्त ध्रुव की कथा सुनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि ईश्वर को पुकारा जाए तो वे जरूर कृपा करते हैं। नारायण आचार्य जी ने कहा कि जीवन में माँ के आशीर्वाद का भी बड़ा महत्व है। माँ का आशीर्वाद और श्राप दोनों कई जन्मों तक साथ रहते हैं। इस अवसर पर भक्ति गीतों पर कथा सुनने आए श्रद्धालु जमकर थिरके। देखिए भगवान चंद्रमौलेश्वर भोलेनाथ का चरित्र, शिव कौन है? विश्वास। और पार्वती कौन है? श्रद्धा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसी ने लिखा है कि श्लोक रामायण में, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर है विश्वास, और विश्वास का न जन्म है न मृत्यु है, अजन्मा है, इसलिए शंकर भी अजन्मा है। लेकिन श्रद्धा पार्वती, तो श्रद्धा का तो जन्म भी होता है मृत्यु भी होती है, इसीलिए पार्वती का जन्म भी है और मृत्यु भी है। और पार्वती छोटी भी है और बड़ी भी होती है, इसीलिए श्रद्धा छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। स्वच्छ भारत की अलख जगाने शहर के 5 युवा निकले नए मिशन पर, पैदल तय करेंगे छिंदवाड़ा से कैलाश मान सरोवर तक का सफर, कलेक्टर शीतला पटले ने किया रवाना।
छिंदवाड़ा की राजा शंकरशाह यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए छात्राएं हुई लामबंद, कहा परीक्षा परिणाम तत्काल सुधारे जाए। मणिपुर की गवर्नर और छिंदवाड़ा की बेटी सुश्री अनुसुईया उइके का जन्मदिन छिंदवाड़ा में उत्साह से मनाया गया। दीनदयाल रसोई में कराया गया निशुल्क भोजन। और छिंदवाड़ा में बनी फीचर फिल्म बाइसिकल डेज 14 अप्रैल को होगी सिनेमा घरों में रिलीज। प्रोड्यूसर डायरेक्टर देवयानी अनंत ने मीडिया से की चर्चा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।